ये देखिए वाइट रोज़ जो मैंने 1.5 साल पहले जो है कटिंग से लगाया था, ये देखिए इसको। अब ये देखिए कितना करीबन 5 फीट ऊंचा हो गया है 1.5 साल में, काफ़ी फ्लावर देता है। अभी जनवरी का महीना है, देखिए इसमें काफ़ी फ्लावर आए हुए हैं, और फरवरी में तो ये पूरा जो है फूलों से भर जाएगा, लग जाएगा। पूरा एक ही पेड़ है, इसकी कटिंग लग जाती है। इसको मैं जो है कटिंग से लगाना बताऊंगा, कैसे कटिंग से लगाएं इसको, उसको वो दिखाऊंगा मैं। देखिए इसको कटिंग से लगाने के लिए मैं इस गुलाब के पेड़ से जो है एक की कटिंग काट ले रहा हूँ। ये दूसरी कटिंग जो है हम काट ले रहे हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो एलोवेरा का जेल लगा देंगे, जो कि मॉइस्चर का काम करेगा, इसके अंदर प्रोवाइड करेगा, और थोड़ा दालचीनी पाउडर लगा दें जिससे जो कि एंटी फंगल का काम करेगा। और इन कटिंग को जो है कप में लगा देंगे। को थोड़ा जो है पानी से लगा देंगे, और इसमें पानी फिर इसके बाद जो है नहीं डालेंगे 1 हफ्ते तक। अभी थोड़ा मॉइस्चर भी है, ठंडा भी है, और हफ्ते से 10 दिन के बीच में जो है इसमें से जो है पत्तियां फूटने लगेंगी इसके पोर से, और पौधा जो है ग्रो करने लगेगा। यदि आपके पास जो है एलोवेरा जेल ना हो, और जो कि जो है मॉइस्चर के लिए इस्तेमाल किया गया है, और दालचीनी पाउडर जो कि एंटी फंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो भी आप इन कटिंग्स को लगा दें और थोड़ा पानी डाल के इसमें रख दें, ये कटिंग्स लग जाएंगी। थोड़ा समय हो सकता है ज़्यादा लगे। ये देखिए 10 दिन के बाद में जो है इसमें जो है पत्तियां आ गई हैं, और दोनों ही कलम जो लगाई गई थी इनमें पत्तियां आ गई हैं। इसमें थोड़ा और जो ग्रो कर जाए 15 दिन के बाद, इसको जो है आप लॉन में लगा सकते हैं। इसको पहले आप जो है किसी गमले में लगा के भी पौधे को बड़ा कर सकते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाए तो जो है इसे लॉन में लगा दें। देखिए जो पौधे जो हैं कटिंग लग गई हैं, उसको जो है मैंने गमले में भी लगाया है, और देखिए ये जो है 45 दिन में सीज़न में लगाया है। सीज़न में लगाने से पौधा जो है तेज़ी से बढ़ता है, और ये लग के इतना बड़ा हो गया है।